तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं भाग तीसरा और चादर लगाने की तैयारी है और हम इस पे देखने वाले हैं कि बराबर है कि ऊबड़ खाबड़ है। ज़रा इसे मेजरमेंट कर लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। और चेक तो कल का थोड़ा बहुत कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा और इस पे देख लेते हैं कि ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है। अगर ऊँचा नीचा कोई राड रहेगा तो हमारी जो चादर है वो सही से नहीं बैठेगी, उबड़ खाबड़ रहेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो में थोड़ा सा देखने में आपको भले ही लगेगा कि थोड़ा सा हमारा पतरा उबड़ खाबड़ है, क्योंकि वो पतरा जो है ना, मैं तीन तो नया लाया था, एक पुराना था, तो वो थोड़ा सा एक आध जगह से पिचका हुआ था, तो उसके वजह से थोड़ा सा कैमरे में ऐसा लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। जहाँ साल का फुलका है, ये देख रहे हैं ना, वो वाला पतरा, वो थोड़ा सा पचका हुआ है, लेकिन वो मजबूत है दोस्तों, जो उधर वाला पतरा है। और ये सब पतरा जो है, ये पतरा जो है थोड़ा सा हल्का भले ही है, लेकिन ये फ्रेश है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पतरा लगाते हुए भी, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अब इसे नाप करके मेजरमेंट कर लेते हैं। एक चादर में हमें चार भाग, 8 फीट के डिस में, 8.5 फीट के डिस में चार भाग, यानी कि चार टुकड़ा इसमें होता है और चार टुकड़ा उस साइड, यानी 8 टुकड़ा होता है। तो 3 में 8 3 के 24, यानी 24 राड मैंने लगाया है और 24 खाने हैं, 24 में इसको भरना है। तो दोस्तों, अब ये कटाई कर ली है और उसके बाद से अब इस पर चादर हम लगाते जा रहे हैं। दोस्तों, दोनों का मिला करके एक पर एक इकट्ठे भी लग जाता, लेकिन जो है गोलाई में दोस्तों थोड़ा सा अंतर हो जाता। तो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होने की वजह से ये मैंने हर खाने के लिए काट लिया हूँ। वैसे 2 खाने का मिला करके आप लगा सकते हैं, लेकिन हल्का सा अंतर पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे है, हर खाने खाने में जितने जितने टुकड़े हैं, जितने राड हैं, उसके बीच में लगाने से क्या होता है कि दोस्तों बहुत बढ़िया से फिनिशिंग आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगा प्रोसेस, आप देखते रहिएगा वीडियो में। ये चादर जो थोड़ा सा पिचका हुआ सा लग रहा है, ये दोस्तों बहुत मजबूत है, इसे हम मार मार कर गए हथौड़ी से सीधा कर लेंगे, और ज़रा सा हल्का फुल्का रहेगा तो उसे भी कस कुस करके एडजस्ट कर लेंगे। और वो पिचका होने की वजह से आपको कैमरे में लगेगा कि ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको सीधा कर लेने के बाद बिल्कुल ये फिट हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम सुराख कर करके दोस्तों, और इसे हम कसते जा रहे हैं, और कस लेने के बाद जब पूरा डिस हमारा कस करके तैयार हो जाएगा, तो दोस्तों अब अगला कल जो है राड लगाने की बारी है। राड और इसका स्टैंड, कल हम इसका राड बनाएंगे और स्टैंड बनवा करके लाएंगे वेल्डिंग के दुकान से। और उसके बाद परसों दोस्तों आप लोगों को फोकल पॉइंट दिखाएंगे, किस तरह से इसका फोकल पॉइंट निकलेगा, कितनी दूरी पर फोकल पॉइंट रहेगा। इसका मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों इसका 6.5 फीट पर फोकल पॉइंट आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत बारीकी से देखना है कि आधा इंची या 2 सूती इधर या उधर में हमें क्या अंतर होता है। बिल्कुल फोकल पॉइंट बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। और जितने ही डिस्क की फिनिशिंग बनावट होगी दोस्तों, उतना ही हमें सही सिग्नल मिलेगा दोस्तों। तो सी बैंड का तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सी बैंड का तो बिल्कुल काम करेगा, लेकिन रह गई बात के यू बैंड की। दोस्तों, ये के यू बैंड के लिए मैं बना रहा हूँ, अगर के यू बैंड पर सफल हो गया तब तो समझ लीजिए कि बढ़िया है, और के यू पर सफल नहीं हुआ तो सी पर तो समझ लीजिए कि आप जैसे मर्जी कस दे, उल्टा पुल्टा तोड़ ताड़ मोड़ मार सब चलेगा दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। क्योंकि मैं ट्राई ले चुका हूँ, जो पहले 6 फीट का मैंने डिस एंटीना बनाया है दोस्तों, वो बहुत कोई ख़ास फिनिशिंग नहीं है, और गोलाई भी मैं बहुत अच्छा से नहीं काटा हूँ, लेकिन सिग्नल भी बहुत ज़बरदस्त देता है दोस्तों। मैं दोस्तों इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितनी भी सेटेलाइटें हैं, अगर डिस्क का काम करना है तो जितनी भी सेटेलाइटें हैं वो सब पंजाब क्षेत्र में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, सब मतलब उधर ही है दोस्तों। इधर हम लोगों के यहाँ पूर्वी भारत में इसका कवरेज कुछ खास नहीं है।
अब आप देख लीजिए कि बांग्ला बंधु है, लाओ सेट 128 है, बाकी तो आप जानते हैं टाटा स्काई, डी डी फ्री डिश, एयरटेल, सन डायरेक्ट, विग टीम, ये सब तो आप जानते ही हैं, ये सब तो हर जगह है। इसको छोड़ करके हमारे यहाँ केवल कवरेज है लाओ सेट 128 से ईस्ट और बांग्ला बंधु 119 ईस्ट बांग्ला बंधु, बस इसी का कवरेज है और कोई कवरेज नहीं है दोस्तों। और बाकी ये बदर सेट ये सब बीच में पड़ेगा दोस्तों, ये भी थोड़ा ठीक है, 6 फीट से कम में ये भी नहीं आता है। जैसे बांग्ला बंधु ये हुआ क्या नाम है कि ट्रुक सेट 42 ईस्ट, यहाँ से 52 ईस्ट, बदर सेट 26 ईस्ट, 21 ईस्ट, ये सब जो है 6 फीट से कम पे ये हमारे यहाँ आते ही नहीं। अगर 4 फीट पर किसी तरह से आ भी जाएंगे तो बस 2-4 चैनल से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे तरफ जो है कोई यहाँ कवरेज नहीं है, किसी भी चीज़ का कवरेज नहीं है, तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं काम करता है। कम से कम 10 फीट का मैं बनाने की सोच रहा था, लेकिन 10 फीट बनाने के लिए दोस्तों बाहर जगह चाहिए ज़मीन पर लगाने के लिए, या फिर छत हो तो भी वहाँ बहुत मुश्किल से सेटलमेंट करना पड़ेगा, किसी चीज़ का सहारा या बहुत मजबूती से कंक्रीट वगैरह ढलाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है दोस्तों, 10 फीट के बाद जो है ना बहुत बड़ा साइज हो जाता है, 10 फीट, 11, 12 फीट, 13, 14 फीट, 15, 16 फीट का भी लोग लगा करके बैठे हैं, तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा सही नहीं है दोस्तों, आंधी तूफान का डर रहता है। तो यह फिनिशिंग थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, अभी बहुत बढ़िया से नहीं है लेकिन फिर भी देखने में लग रहा है ठीक ठाक। तो यह देख लीजिए फिनिशिंग, तो कम से कम 8-8.5 फीट ठीक है मीडियम में, वैसे तो 6 फीट पर आ ही जाता है, सीवेंट का कोई भी जो सेटेलाइट है वो 6 फीट पर तो आ ही जाता है, लेकिन हमें कोशिश करना है कई बार। तो फिनिशिंग देखिए दोस्तों ठीक ठाक लग रहा है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों, कमेंट में ये बताइएगा कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी सेटेलाइट पर पहले चेक किया जाए, पहले सी बैंड चेक करें या केयू बैंड चेक करें, या केयू बैंड अगर चेक करें तो कौन सी सेटेलाइट पर चेक किया जाए। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा लोकेशन कहाँ है, तो दोस्तों हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश जिला मऊ, आजमगढ़ पहले था अब मऊ हो गया है, तो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों, और हमारे तरफ दोस्तों ये सेटेलाइट का कवरेज बहुत ही कम है। देखिए अब दोस्तों ये हमारी छतरी जो है खड़ी हो गई है, और हम देखिए इसे हम सब कुछ फिनिशिंग सब लगा लिए हैं, कसकुस लिए हैं, बहुत जरा मरा काम रह गया है दोस्तों, अभी इस फिनिशिंग पर और ध्यान देना है दोस्तों। ये देख लीजिए बीच में का वो जो गोल सा देख रहे हैं ना काला, दोस्तों लग रहा है छोटा सा 6 इंच का है, लेकिन दोस्तों वो 1 फुट का है वो। तो दोस्तों अब हमें बताइएगा कि राड लगाना है और कौन सी सेटेलाइट पर इसे हम ट्रैक करें, और जो भी गलती हो, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम कोई बहुत बड़ा जानकार हैं, ये बात नहीं है, अगर हमें जो चीज़ नहीं मालूम है आप हमें बताएंगे तो भी थोड़ा हमारा हौसला बुलंद होगा दोस्तों, और हमें काम करने में थोड़ा मन लगेगा। तो इस लिए आप जो भी हम गलती हमारे इस काम में लग रहा है, थोड़ा बहुत मिस्टेक लग रहा हो, तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि यहाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कीजिएगा, थैंक यू, धन्यवाद।